बाढ़साथ राधिका नगर के सियान सदन में सियान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र के वृद्धजन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। नगर पालिक निगम भिलाई के वरिष्ठ पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा के द्वारा बाढ़साथ राधिका नगर के सियान सदन में सियान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र के वृद्धजनों के मध्य कई प्रतियोगिताएं आयोजित कर उनका उत्साहवर्धन और उनमें एक नई ऊर्जा का संचार करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास को क्षेत्र के वृद्धजनों ने भी सराहा है और आयोजकों को हृदय से इसके लिए धन्यवाद भी कहा है। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे वशिष्ठ नारायण मिश्रा जी ने और ललित मोहन ने जो ये वरिष्ठ नागरिक महोत्सव जो आयोजन किया है, ये समझ लीजिए कि हम वरिष्ठजनों को एक वो संजीवनी प्रदान की है कि अब वरिष्ठजन अपने आप को ज़्यादा जागृत और ज़्यादा युवा समझने लगे हैं और इसके लिए हमारी पूरी वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण समिति उनको हृदय से धन्यवाद और आभार प्रकट करती है। आज जो वशिष्ठ नारायण मिश्रा जी ने और ललित मोहन ने ये मैच करवा कर हम बुजुर्गों को एक ऊर्जा प्रदान की है, हम चाहते हैं कि वो हर समय इस प्रकार की प्रतियोगिताएँ करवाते रहें। धन्यवाद। सियान महोत्सव का आयोजन करने वाले आयोजक नगर पालिक निगम भिलाई के वरिष्ठ पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा वृद्ध जनों के बीच शामिल हुए और उनके साथ बैठकर कैरम के बोर्ड में अपना हाथ आजमाया। क्षेत्र के वृद्ध जन भी उन्हें अपने बीच पाकर काफी खुश हुए और सीनियर सिटीजन के लिए इस तरह के ऊर्जा से भरे आयोजन के लिए उनका धन्यवाद किया। सियान महोत्सव को लेकर मुख्य तौर से ये उद्देश्य है कि भिलाई बुजुर्गों का शहर होता जा रहा है। भिलाई में नौजवान अब यहाँ रोजगार उपलब्ध नहीं होने के कारण अपने परिवार के साथ नहीं है, वो देश भर में, और भिलाई में जो नौजवान दिखता है वो प्रदेश में अंबिकापुर का हो सकता है, जगदलपुर का हो सकता है, बेमित्रा का हो सकता है। तो हम लोग सियान लोग को चिन्हित करने के लिए महोत्सव का आयोजन किए ताकि सियान लोग के पास एक पता हो सके, एक कोई मंच हो सके जिसमें वो अपने उत्साह को या अपने तकलीफ को केंद्रित कर पाए। बिल्कुल पुराने दिन याद आ गए और अपने सियान के बीच में उपस्थित होकर अपने आप को हम लोग आज गौरवान्वित महसूस। अब भिलाई शहर की पहचान यह बुजुर्ग बनते जा रहे हैं, क्योंकि यहां का युवा अपनी रोजी रोटी और अच्छे भविष्य की तलाश में अन्य शहरों और राज्यों का रुख करते चले जा रहे हैं। इसके लिए जरूरी भी होगा कि सीनियर सिटीजन्स में एक नई ऊर्जा का संचार कर इन्हें लंबे जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।